हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा GTA 5 में आपने कैसे पाकिस्तानी कार या कोई भी कार जो आपको पसंद है वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके आपको मॉड्स जो इंस्टॉल करने हैं उसके लिए काफ़ी सारे फाइल्स की इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए ओपन आई वी, जो कि ये सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करते हैं मॉड्स, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके पास स्क्रिप्ट हुक वी है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर लें। ये भी डाउनलोड हो गया। फिर उसके बाद है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, ये भी डाउनलोड कर लें। इन सब के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये आ गया, और ये देखें डॉट नेट डॉट जिप जो लिखा है ये, इस पर क्लिक करना है आपने और ये डाउनलोड आ जाएगा। मैं फ्री डाउनलोड मैनेजर के थ्रू कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू कर लें वैसे। और ये मेन्यू पीसी जो मॉड चलाता है, ट्रेनर जिसे कहती है, ये वाला कर लें। बाकी भी हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये वाला, और ये इजी भी यूज़ करने के लिए, तो इसको डाउनलोड कर लें। तो ये जो आ रहा है मेन्यू एसपी डॉट जिप, इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी ये फाइल्स जब तक इंस्टॉल हो रही हैं तब तक हम इस ओपन आई वी को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इनको मैं ड्रैग करके बाहर ले आऊँ। पहले हम ला रहे हैं ओपन आई वी, तो ओपन आई वी को आपने ओपन करना है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना वरना ही नहीं चलेगा। इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू। यहाँ से एक्सेप्ट कर लें एग्रीमेंट, कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपने ये इंस्टॉल ओपन आई वी टू दिस कंप्यूटर क्रिएट, और ये छेड़ना नहीं है आपने, बस ये कंटिन्यू कर दें आप। ये आगे 28.6 MB डाउनलोड होगी, वो आपने होने देनी है, यस कर दें। वैसे आप देख सकते हैं मैंने सारे ये इंस्टॉल कर ली फाइल और सेटअप। तो ये मैंने भी मॉड भी डाउनलोड कर लिए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉड्स कहाँ से मिल सकते हैं आपको। आपने गूगल पे जाना है, लिखना है GTA 5 मॉड्स। तो आप जब मॉड्स लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, इसे आपने क्लिक करके खोल लेना है और यहाँ पर सर्च करके आपने बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग में आपने सर्च करना है व्हीकल का मॉडल, और सर्च करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे सर्च करेंगे, मैंने सर्च किया टोयोटा ग्रैंड क्रूजर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें खोल के से ये सेंटेनारियो और करोला। तो मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा, एक ऐड ऑन का, दूसरा रीप्लेस का, और तीसरा OIV, कि इन तीनों तरीकों के मॉड्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर ली, डाउनलोड कर ली सॉरी। तो ये OIV मेरे को दिखा दिए और ये OIV मेरा कम्प्लीट हो गया। तो ये आ गया, डिलीट कर दें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले स्क्रिप्ट वी डॉट नेट को कैसे आपने इंस्टॉल करना है। पहले एक्सट्रैक्ट कर लें फाइल्स, ये आगे फाइल्स, इसको मैं डिलीट करूँ जिप को, इसको ओपन करना है। इसके लिए देखें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, आपने GTA 5 पर ऐड क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, इसको यहाँ तो आपने इनमें से सेलेक्ट जो करनी है फाइल ये वाली हैं, देख लें ये फाइल्स हैं नीचे वाली, ये सारी कॉपी कर लें आप। खींच के ड्रैग करके आपने इधर पेस्ट कर देनी है। ये रिप्लेस इसलिए आ रही क्योंकि मैंने पहले की हुई है। तो ये हमारा हो गया v.net, अब रह गया हमारा स्क्रिप्ट हुक v.net हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसे डिलीट कर दें जिप को। अब इसके अंदर आपने जाना है बिन में, और ये डिन पुट को और स्क्रिप्ट हुक वी, इसको ड्रैग करके वैसे ही कर देना है यहाँ पर, इसे रिप्लेस पहले किया हुआ है। मेन्यू SP आया था जो ट्रेनर है जिससे आप मोड चलाते हैं, इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लें और डिलीट कर दें। और ये जो एक्सट्रैक्टेड फाइल आ गई इसको खोलें, और आपने इसमें से menu.asi और मेन्यू स्टफ ड्रैग और यहाँ पे पेस्ट, ये हो गया कर दें, ये डिलीट कर दें। तो मैं बताऊँगा आपको मोड कैसे इंस्टॉल करना है। ये तो आपने फाइल बेसिक जो फाइल जो है वो इंस्टॉल कर ली, इसे क्लोज कर दें। अब आपने खोलना है ओपन आई वी, ये ओपन आई वी खुल गया। आपने आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये विंडोज़, वैसे PS4 पे ये नहीं हो सकता, सिर्फ विंडोज़ पे होता है। तो ये आपने GTA 5 यहाँ पे विंडो पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने लोकेशन देनी जहाँ GTA 5 पड़ी है, ब्राउज़ पे क्लिक करें, फिर जहाँ आपकी GTA 5 पड़ी लोकेट कर लें, ये स्टोरेज प्रोग्राम फाइल्स और मेरी ये पड़ी है, तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं। तो ये देखें वो कह रहा है ठीक है पकड़ी गई फाइल, कंटिन्यू। ये बैकअप करना है अगर तो सही है, बैकअप वैसे आप कर लें फाइल्स का अगर आपको इशू आ जाए। देख सकते हैं आप ये खुल गया, तो आप मॉड फोल्डर भी बना सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं ये लैंड क्रूजर है इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ, सेलेक्ट कर लें इसको,
देख सकते हैं इसमें ऐड ऑन भी है और रिप्लेस भी है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐड ऑन इंस्टॉल करें। ऐड ऑन इंस्टॉल करने का तरीका ये है, इसका फ़ायदा ये है कि आप दूसरी अपनी गाड़ी को मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे, वो गाड़ी वहीं रहेगी और ये ऐड ऑन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है X64 में, अपडेट में जाना सॉरी, फिर उसके बाद जाना है X64, फिर उसके बाद आपने जाना है DLC पैक्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो है ऐड ऑन में ये खोलने फाइल इसको, ये देखें इन्होंने ये फोल्डर जो बताए वो ये देखें वही फॉलो मैंने किए हैं DLC पैक। ये देखें DLC पैक, इस गाड़ी का नाम VXR है। तो मैं करूँगा ये इसको इसमें डालने के लिए मुझे पहले एडिट करना पड़ेगा, तो ये एडिट करने के लिए ये देख सकते हैं बटन इस पर क्लिक करना है और यस कर देना है। तो अच्छा अभी अपने ASI मैनेजर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इसको ड्रैग करने से पहले आपको बता देता हूँ, आपने जाना है यहाँ पे ASI मैनेजर पे क्लिक कर दें। एक इंस्टॉल हुआ है, आपने ये भी इंस्टॉल कर लेना है और ये ओपन कैमरा भी कर लेना है इंस्टॉल, फिर क्लोज। तो ये वैसे आपको यहाँ से मिल जाएगा ASI मैनेजर, ये देखें छोटा सा बना, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जब एडिट मोड आपने कर लेना है, ये देखिए एडिट मोड ऑन हो गया, तो आपने VXR को खींच के यहाँ पर ले आना है। VXR आ गया, तो इसकी एक आपको ये भी मिलेगी रीड मी, आपने लाजमी खोलनी है। ये देखें रीड मी में आपको ये चीज़ दी होती है, ये लाइन आप डालेंगे तभी आपका मोड चलेगा। ये लाइन बता दूँ कैसे डालनी है, आपने जाना है अपडेट में, फिर जाना है update.rpf, फिर जाना है कॉमन में, फिर उसके बाद जाना है डेटा में, फिर नीचे आएंगे आप काफ़ी सारा ये DLC list.xml, इसको राइट क्लिक करके एडिट करना है और नीचे आके आपने यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद इंटर दबाना है और Ctrl+V ये दबाएंगे, यहाँ पेस्ट हो जाएगा या राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, फिर सेव कर लेना है। ये सेव हो गया, हमारा एक मॉड इंस्टॉल हो गया। आप एक नोट पैड बना लें, उसमें आप गाड़ियों के नाम सेव कर लें ताकि आपको याद रहे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लैंड क्रूजर का नाम VXR है, ये सेव कर लिया मैंने। अब हम मैं बताऊंगा कि आपने लैंड क्रूजर हमने कर लिया, अब मैं बताऊंगा कि आपने टोयोटा करोला कैसे करनी है। ये देखिए रिप्लेस फाइल है, तो ये होगी रिप्लेस primo.yft। तो अब आपने इसको रिप्लेस कैसे करना है, आपने इधर GT5 पे वापस आ जाना है यहाँ क्लिक करके और टूल्स में जाना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। फिर आपने ये देखेंगे ये जो नेम है, आपने रीनेम इसको कर लेना ताकि आप यहाँ से कॉपी कर लो इस नेम को, कॉपी कर ली नेम को, फिर यहाँ पे पेस्ट। आपने इसका नेम चेंज नहीं करना, सिर्फ रीनेम करके आपने यहाँ से नेम कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर दें। तो आप देख सकते हैं ये कुछ फाइल्स आ गई हैं, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ये फाइल लिखनी है। ये देखें प्रीमो, ये primo.yft, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोकेशन पहुँच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी है जिस पर हम रिप्लेस करने वाले हैं करोला, ये गाड़ी है। तो अभी आपके सामने मैं इस पर रिप्लेस करूँगा, आपने ये तीनों फाइल ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है, फिर ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देनी है। ये देखिए हम ये आ गई करोला, तो मैं इसका करोला का नाम लिख लेता हूँ प्रीमो नेम, इसका सेव कर लिया। और भी काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉरी। ये देखें नीचे आप आएंगे तो ये primo.yft, इस पर भी आप क्लिक कर लें सॉरी, ये नहीं ये आ गए primo.yft, आपने इसको भी कर लेना है। सब प्रीमो जितनी भी आपको primo.yft नीचे मिल रही हैं सबको आपने खोल लेना है। ये देखें ये गाड़ी वही है, ताकि आपकी जो गाड़ी सही से इंस्टॉल हो जाए और दूसरी गाड़ी आपको शो ना हो। कर दिया, ये गाड़ी यहाँ पे भी करोला इंस्टॉल होगी। और चेक कर लेते हैं सर्च में, नहीं और कोई नहीं, सिर्फ ये दो फाइल थी, इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिए। और इससे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब रह गई है सेंटेनारियो लैम्बोर्गिनी जो है OIV कैसे इंस्टॉल करनी है आपने। तो ये मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ हेयर, ठीक है। आपने करना ये है, ये आपने फ़ाइल खोल लेनी है, ये देखें ये OIV वाली फ़ाइल है। आपने इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है, आपने यहाँ पर देखें ये जो तीन कलर वाली चीज़ आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है, पैकेज इंस्टॉलर है ये। फिर आपने अपनी फाइल लोकेट करनी है, मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है ये आर मोड, और इसमें जाना है। फिर उसके बाद ये देखें OIV, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये पैकेज इंस्टॉलर आ जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर आप मॉड्स में करना है तो मॉड्स में कर लें, वैसे मैं डायरेक्ट गेम में करूँगा, मैं गेम पर क्लिक कर रहा हूँ, वैसे आप मॉड्स पर कर सकते हैं इंस्टॉल।
ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगी, लाइन भी खुद ऐड कर देगी। रिप्लेस में ये होता है आपको लाइन ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐड ऑन में आपको लाइन ऐड करना पड़ता है। ये देखिए होगी, तो मैं आप गेम को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है, इसका नाम भी देख लेते हैं क्या है, लैम्बोर्गिनी का। ये रीड में आपने लाजमी पढ़ना है, इसमें नेम बताया होता है। ये देखें स्पॉन नेम, व्हीकल स्पॉन नेम बताया हुआ है, आर मोड एल पी 77 करेंगे तो फिर आ जाएगी। ये भी मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे सेंट। सेव, तो मैं आपको गेम्स दिखाता हूँ सारी कि इंस्टॉल हुई भी या नहीं हुई। तो गाइस अब देख सकते हैं हम गेम में आ गए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे मॉड्स बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल हो गए हैं, अगर कुछ इशू होता है इंस्टॉल करते हुए तो गेम ही ऑन होती। तो आप भी देखें इंस्टॉल करें, वरना आपका गेम ऑन नहीं होने वाली। फिर आपने जैसे हम गेम में आ जाएंगे आपने दबाना है F8। एक दफ़ा दबाएंगे तो नहीं खुलेगा, दो दफ़ा आपको दबाना है, दूसरी दफ़ा दबाने पर खुल गया। फिर आपने नीचे आना है एरोज़ की मदद से, और व्हीकल ऑप्शन पर इंटर दबाना है। फिर आपने नीचे आना है और ये व्हीकल स्पॉनर पर इंटर दबाना है। इसके बाद मैं फुल नीचे आ जाना ये इनपुट मॉडल पे और इस पर इंटर दबाएँ। और सबसे पहले मैं गाड़ी में टेस्ट करूँगा वो लैंड क्रूज़र VXR। ये देखें पहला मॉड जो हमने इंस्टॉल किया लैंड क्रूज़र बिल्कुल परफेक्ट हो गया इंस्टॉल। मैं आपको अंदर से भी दिखाया था, ये देखें वही लैंड क्रूज़र है, बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा दूसरा मॉड जो कि हमने किया था क्रोला। क्रोला का नाम रखा था प्रीमो, क्योंकि उसका रिप्लेस प्रीमो था। ये देख सकते हैं क्रोला आ गई, मैं आपको दिखाऊंगा लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो जो हमने OIV के तरीके से इंस्टॉल की थी ऑटोमेटिक। उसका नाम था आर मोड LP770। तो ये देखें लैम्बोर्गिनी की हमारी आ गई। तो ये कार जो है आपको GT5 में कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसे मॉडल्स के थ्रू मिल सकती है। जो PS4 प्लेयर्स हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि GT5 की लोकेशन का या कोई प्लेयर या कोई मॉडल इंस्टॉल करने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तो ये मॉडल इंस्टॉल करने का तरीका मैं बता दिया। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट बताओ कि आपका मॉडल इंस्टॉल हुए या नहीं हुए, और बेल आइकन को भी दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पीस आउट। This is the future.